व्हाट्स अप वंस अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज अभिषेक। सो गाइस, आज इस व्लॉग में मैं अपना जो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का रूटीन है वो पूरा शेयर करूंगा, साथ में जो मैं शेड्यूल फॉलो करता हूँ एज अ मेडिकल स्टूडेंट इन अब्रॉड, ये सारी चीज़ें मैं इस व्लॉग में शेयर करने वाला हूँ। सो होपफुली ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और बाहर का जो टेम्परेचर है वो काफी ठंडा हो रखा है, -2 डिग्री सेल्सियस है। और साथ ही मैं आपको यहाँ पे बाहर से विंडो का जो थोड़ा सा व्यू है वो दिखा दूँ, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, बट बाहर जाने के बाद ऐसा लगता है कि हम किसी फ्रीजर में आ गए, इतनी ज्यादा ठंड हो रखी है। फिर भी ये तो यहाँ पे नॉर्मल एक रेगुलर रूटीन है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स गो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, अभी मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है और क्लास के लिए जा रहा हूँ। तो आज मेरी 2 क्लासेस हैं इंटरनल मेडिसिन की, फर्स्ट और सेकंड पैरा में होगी। जो थर्ड फोर्थ पैरा में होगी वो सर्जरी की क्लासेस हैं। सो यूजुअली जो मेरा क्लास के टाइम में या फिर जब क्लासेस चलती हैं उस टाइम जो मेरा पर डे का जो शेड्यूल होता है वो 6 पार्ट में डिवाइडेड होता है। सो पहला जो पार्ट होता है वो क्लास करने का, उसके बाद बाकी जो पार्ट्स होते हैं वो मैं धीरे धीरे आगे आपको इस वीडियो में शेयर करता जाऊँगा। तो अभी थोड़ा सा क्लास के लिए मैं लेट जा रहा हूँ। फिलहाल आज का जो मौसम है, टेम्परेचर यहाँ पे -2 डिग्री के आसपास है और अभी आप देखो तो टाइम जो हो रहा है वो 7:30 का हो रहा है, 7:30 है। तो यहाँ पे ये सब इतना टेम्परेचर बहुत नॉर्मल सा है, आम बात है। चलते हैं फिर आगे, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इंटरनल मेडिसिन की क्लास खत्म हुई और अभी थोड़ी देर का ब्रेक हुआ है। सो थोड़ी देर हम रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर से क्लास कंटिन्यू होगी 1 घंटे की, और उसके बाद फिर हमारी जो दूसरी क्लास है वो सर्जरी की लगेगी दूसरे डिपार्टमेंट में। इस डिपार्टमेंट में हमारी इंटरनल की और ऑर्थो की और एंडोक्राइनोलॉजी और कुछ और क्लासेस लगती हैं। यहाँ के बारे में मैंने ब्लॉग वगैरह पिछले ब्लॉग्स बनाए हैं जो कि आप चाहो तो देख सकते हैं, लिंक उधर ऊपर डाल देता हूँ मैं। हमारी इंटरनल मेडिसिन की क्लास थी जो वो ओवर हो गई और अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो है सर्जरी की, तो हम लोग उसके लिए अभी निकल गए। फाइनली हम लोग डिपार्टमेंट पहुंच गए, ये पीछे आप मेरे जो देख रहे हैं डिपार्टमेंट, और अभी जाएंगे हम लोग अंदर। तो ये हमारी जो दूसरी क्लास होनी थी सर्जरी की वो होगी यहाँ पे। मेरे कुछ पिछले व्लॉग्स में मैंने यहाँ के बारे में बताया है और ये डिपार्टमेंट भी दिखाया है आप लोगों को। अभी चलते हैं अंदर और ये क्लास ख़त्म करने के बाद मेरा जो नेक्स्ट पार्ट है शेड्यूल का वो मैं आपको शेयर करूँगा। तो दोस्तों, लंच जैसा कि है कि मैं अपना खुद से बना के लाता हूँ, क्योंकि यहाँ बाहर हर एक चीज़ अपने मतलब अपनी पसंद की चीज़ें नहीं मिलती है खाने को, और जो बाकी है ब्रेड वाली चीज़ें ज़्यादा मिलती है यहाँ पे, तो इसलिए अच्छा होता है कि अगर लंच आप घर से बना के लाओ तो ज़्यादा बेटर होगा। सो मैं भी यही करता हूँ, घर से लंच बना के लाता हूँ। और अभी फ़िलहाल टाइम था क्लास शुरू होने में तो मैं सोचा कि अभी निपटा लेते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग को ये सर्जरी देखने को मिली जिसमें 55-year-old वीमेन के बॉडी में से कुछ गाल स्टोन्स निकाले गए। ऑलराइट गाइस, सो अभी हमारी चारों पैरा ख़त्म हो गई और बहुत ज़्यादा मैं थक भी गया हूँ। सो जिस दिन 4 पैराज होती है उस दिन काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाता है। अभी मैं घर जाऊँगा, उसके बाद 1 से 1.5 घंटे का रेस्ट लूँगा, उसके बाद फिर मुझे जिम भी जाना है। यूजुअली क्या होता है कि जब हमारी 4 क्लासेस होती है तो हमें लंच स्किप करना पड़ता है, क्योंकि हम बीच में क्लास के बीच में घर नहीं आ सकते। सो ज़्यादातर ये बेटर होता है कि या तो मॉर्निंग में कुछ लंच के लिए प्रिपेयर करके रख लो, या फिर अगर कैफ़े वगैरह में यहाँ पे कुछ मिलता है तो खा लो। बट बहुत कम ही ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग के लायक मिलती हैं, जो हम इंडियंस के लायक मिलती हैं, जो कि कैफ़े वगैरह में खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग ब्रेड वगैरह खाते हैं। तो ज़्यादा बेटर यही होता है कि अपना मील खुद का बना के ले आओ घर से लंच वगैरह और वो खाओ। ऑलराइट गाइस, सो अभी शाम के 5:30 बज गए और ये मेरा टाइम जो है वो जिम जाने का टाइम है। सो अभी जिम के लिए मैं निकला हूँ। फिलहाल सुबह इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, अभी काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है इसलिए काफ़ी ठंड लग रही है, तो प्रॉपरली कपड़े वगैरह ठीक से पहन लिए मैंने। शाम को वैसे भी यहाँ पे ठंड बढ़ जाती है जैसे ही दिन ढलता है। सो ओवरऑल जो दिन का टाइम होता है वो बहुत छोटा होता है सर्दियों में, और रात भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाती है। यहाँ सुबह जो होती है वो लगभग 8:30 तक होती है, और जो शाम होती है वो भी 4:30 बजे तक शाम हो जाती है। सो उसके हिसाब से अपना पूरा टाइम मैनेज करना पड़ता है। जिम में लगभग मुझे 2 घंटे लगते हैं, जाना आना, एक्सरसाइजेस वगैरह करना और सारी चीज़ें वहाँ पे जो भी कार्डियो वगैरह जो भी करना है सब इंक्लूड करके लगभग 2 घंटे लगते हैं। सो
ये टाइम भी मेरा शेड्यूल में इंक्लूडेड रहता है, तो इसको भी मुझे मैनेज करना पड़ता है। और मैं अपना पर्सनली मैं जिम रेगुलर जाना प्रेफर करता हूँ, कोई भी दिन स्किप नहीं करना चाहता हूँ। सो जिम से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज वगैरह हैं जो कि बहुत से लोग मुझसे पूछते रहते हैं, सो उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा बहुत जल्दी। मेरे जो तीन टास्क थे दिन के वो ख़त्म हो गए, जिसमें मेरा फर्स्ट टास्क था जो कि सुबह उठना था, कॉलेज जाना था, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना था। जो दूसरा टास्क था रेस्ट करना था कॉलेज से आने के बाद, और तीसरा जो टास्क था वो था जिम का। ये तीन टास्क कंप्लीट हो गए। अभी जो चौथा टास्क मेरा रह गया है वो है डिनर बनाने का। 8:30 के आसपास का टाइम है और मैं अप्रॉक्सीमेटली 8:30 से 9 के बीच में आ जाता हूँ जिम से, और उसके बाद मैं अपना डिनर का देखता हूँ। सो मुझे लगभग 40 से 45 मिनट लगते हैं डिनर प्रिपेयर करने में। सो कोशिश करता हूँ कि 9:30 तक मेरा जो डिनर है वो रेडी हो जाए। तो गाइज ये है, अभी चले गए किचन में और डिनर बनाएंगे, और डिनर के बाद जो कि सबसे बोरिंग काम है बर्तन धुलना होगा। सो फाइनली गाइज आज के मेरे जितने भी काम थे, जो भी मेरे टास्क थे, सब कंप्लीट हो गए। और जो मेरा सबसे आखिरी टास्क और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क रह गया है वो है पढ़ाई का। सो मेरा पढ़ाई का टाइम ये है कि 9:30 से अप्रॉक्सीमेटली शुरू हो जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टाइम हो जाता है खाना बनाने में, डिनर प्रिपेयर करने में। सब कुछ कंप्लीट होके मैं अपना स्टडी का जो पैटर्न है वो फॉलो करता हूँ, जिसमें मेरा 1 to 1.5 hour का मेरा जो पैटर्न होता है वो है, उसमें मैं अपना जो भी मेरी नेक्स्ट डे की क्लास होती है उसमें जो टॉपिक मेरा होगा वो प्रिपेयर करूँगा, साथ में उसके लिए कुछ नोट्स भी बनाने होंगे। सो ये प्रिपेयर करने के बाद जो बाकी का टाइम मेरे पास बचेगा, जब तक मुझे नींद नहीं आती तब तक मैं अपना जो भी साइड के सब्जेक्ट होते हैं या फिर जो मेरे अदर सब्जेक्ट होते हैं मैं उनको पढ़ता हूँ और उनको भी रिवाइज करता हूँ। तो कुछ ऐसा मेरा स्टडी प्लान है, और टाइम के साथ मैं इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी रखता हूँ, जिससे कि मैं अगर मैं अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग या फिर मेरे टाइम रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। तो ये था मेरा सिंपल सा शेड्यूल जिसको मैं मॉर्निंग से लेकर रात तक फॉलो करता हूँ। थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस भी कर सकता हूँ, डिपेंड करता है अपनी जो मेरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। गाइस आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। So guys, thanks for watching. See you in the next video. Bye-bye and have a great time.